दोस्तों कमेंट बॉक्स में मैंने एक सवाल देखा और वो सवाल है क्वाइन ऐप ओनली शोइंग ट्रांजेक्शन हिस्ट्री नॉट शोइंग बाई और रिडीम प्लीज सजेस्ट वाई। तो यहां पर हम सजेशन तो इनको नहीं दे पाएंगे लेकिन हम आपको यह बता सकते हैं कि आप बाई या सेल जो भी आपने म्यूचुअल फंड्स की यूनिट को किया होगा उसको आप कैसे ट्रैक कर पाएंगे या फिर कहां पर देख पाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ या जिसको भी इस वीडियो की जरूरत हो उसके साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पर। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पर और ज़ीरोधा क्वाइन का ये जो मोबाइल ऐप है इससे आप भली भांति परिचित होंगे, इस पर क्लिक करके आपको इसको ओपन कर लेना है। तो हमने इसको यहां पर ओपन कर लिया है तो अभी हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में, यहां पर हम करते हैं क्लिक। चलिए हमने यहां पर क्लिक कर दिया। अब यहां पर कोई भी मान लीजिए कि हम म्यूचुअल फंड की स्कीम लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी को ही लेते हैं, तो यहां पर जैसे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में जब यहां पर जो तीन बिंदियां जब यहां पर क्लिक करते हैं, यहां पर क्लिक करने के बाद में जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं तो यहां पर जो भी चीजें शो होंगी वो सिर्फ आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री शो होगी और उसमें क्या चीजें लिखी रहती हैं, आपकी डेट लिखी रहेगी, कितने डेज ये पुराना है ये लिखा रहेगा, यूनिट्स लिखी रहेंगी, एनएवी लिखी रहेगी, अमाउंट लिखा रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा रहेगा, हर जो भी आपकी एसआईपी रहेगी मंथली या वीकली या जैसे भी आपने कर रखा हो वो डिटेल्स यहां पर शो करती हैं। लेकिन हमें जानना क्या है, हमें जानना है कि अगर हम सेल कर रहे हैं या बाई कर रहे हैं तो वो कहां पर शो होगा। तो चलिए उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो अभी हम बैक चले जाते हैं, बैक चले जाने के बाद में और बैक चले जाते हैं, अभी यहां पर हमारा जो अकाउंट वाला सेक्शन है यहां पर क्लिक करते हैं। चलिए हमने यहां पर क्लिक किया, इसके बाद में आपको जो कंसोल है यहां पर क्लिक करना है। चलिए हमने यहां पर क्लिक कर दिया। अब आपको जो रिपोर्ट्स वाला सेक्शन है यहां पर जाना है। चलिए हमने यहां पर क्लिक कर दिया, अभी ये ओपन हो रहा है, इसको ओपन हो जाने देते हैं। तो बेसिकली आपको कंसोल में जाना है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी यहां पर जो तीन लाइनें हैं यहां पर क्लिक करते हैं। चलिए हमने यहां पर क्लिक कर दिया। अभी यहां पर जो रिपोर्ट्स वाला सेगमेंट है यहां पर क्लिक करते हैं। चलिए हमने यहां पर क्लिक कर दिया। उसके बाद में आपको जाना है ट्रेड बुक में, कहां पर जाना है, बाई एंड सेल देखने के लिए ट्रेड बुक में। म्यूचुअल फंड का भी ट्रेड बुक इन्होंने बना रखा है क्योंकि ये डीमैट फॉर्मेट में रहता है, ये आपको पता होगा। चलिए ट्रेड बुक में क्लिक करते हैं। चलिए हमने यहां पर क्लिक कर दिया। अब आपके सामने यहां पर डेट रेंज पूछ रहा है और साथ में नीचे यहां पर इक्विटी लिखा है। पहले हम ये इक्विटी वाला है यहां पर क्लिक करते हैं। चलिए यहां पर मैं क्लिक कर दिया। अब यहां पर देखिए ये सेगमेंट पूछ रहा है कि किस सेगमेंट का आपको स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है, तो हम यहां पर क्लिक करते हैं। चलिए हमने यहां पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में आप यहां पर देख रहे होंगे म्यूचुअल फंड्स का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो अभी आपको इस ऑप्शन को चूज कर लेना है। अभी आपको क्या करना है, यहां से आपको डेट रेंज को चूज करना है। तो मैं यहां पर पिछला जो मेरा फाइनेंशियल ईयर रहा है उसको मैं यहां पर डालूंगा और आपको दिखाऊंगा। चलिए उसको मैं डालता हूं। तो दोस्तों यहां पर मैंने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का टाइम फ्रेम चूज किया है। अब सिंपली जो अप्लाई वाला बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। चलिए हम यहां पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में आप यहां पर देख रहे होंगे सेगमेंट हमारा म्यूचुअल फंड चूज है, सिंबल वाले में कुछ नहीं करना, यहां पर डेट रेंज हो गया है और यहां को भी छोड़ देना है और ये जो बना हो ना तीर जैसा इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम यहां पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करते ही आप यहां पर देखेंगे कि अगर आपके एक से ज्यादा एसआईपी चल रही होंगी या आपने अलग अलग स्कीम्स में बाय कर रखा होगा तो ये सारा आपका मिक्स दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं तो इसको आप यहां से सीएसवी में डाउनलोड करके अपने हिसाब से शॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहां पर देखिए आप नीचे की ओर जब आप आएंगे तो ये देखिए यहां पर लिखा बाई बाई, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरी हिस्ट्री आपकी मिल जाएगी। तो अभी मैं लास्ट वाले में चला जाता हूं कि सेल का भी आपको दिखा पाऊं। तो ये देखिए यहां पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड था तो यहां पर ये सेल का भी शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने म्यूचुअल फंड्स का जो ट्रांजेक्शन बाई और सेल वाला है, ठीक है, और सेल यानी कि म्यूचुअल फंड में इस्तेमाल किया जाता है रिडीम वाला जो चीज है उसको आप यहां से बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं।
तो बेसिकली यह जो जीरोधा क्वाइन है उस ऐप में डायरेक्टली आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको जीरोधा क्वाइन के द्वारा कंसोल में आना पड़ेगा और वहां पर जाकर के आप इसको देख पाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यह बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसानी से अपने म्यूचुअल फंड का बाई और सेल वाली जो चीजें हैं वो सब ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगर आप में से कोई जीरोधा के साथ में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाने के लिए इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको जीरोधा का भी लिंक मिल जाएगा और अन्य डिस्काउंट ब्रोकर्स और मेन ब्रोकर्स के भी लिंक मिल जाएंगे। आप अपने पसंद के ब्रोकर के साथ में अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करिए और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।